तो चलिए दोस्तों, आज हम बनाते हैं बहुत ही सिंपल सा पोहा। ये सिंपल तो जरूर है, लेकिन ये हम सभी के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो झटपट से हम इसे बनाते हैं। और इसी तरह की मेरी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो फटाफट से हम शुरू करते हैं इसे बनाना। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने गैस ऑन कर दिया है और एक कढ़ाई रख दिया है। इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डालना है, बस ये अच्छा सा हमारा गर्म हो जाएगा। उसके बाद हम डालेंगे मस्टर्ड सीड्स। तो ये देखिए, हमारी अच्छे से चटक रही है। इसी के साथ साथ हम डालेंगे करी लीव्स, तो इनको भी हम अच्छे से हो जाने देंगे। उसके बाद हमने ये फाइन चॉप अनियन, इसे भी हम डाल देंगे। उसी के साथ साथ हमने ये ग्रीन चिली ली है, और ग्रीन के साथ साथ कभी कभी होता है ना कि रेड रेड सी भी रहती है, तो उन्हें भी हमने साथ में डाल दिया है। और उसी के साथ साथ हमने ये एक मीडियम साइज का आलू लिया था, इसको भी हमने फाइन चॉप किया है ताकि ये जल्दी कुक हो जाए। और ये रही हमारी मटर, तो इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। और इनके ही हिसाब से हमें थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड करना है, जिससे कि ये अच्छे से कुक भी हो जाएंगी और इनमें टेस्ट भी रहेगा। बाकी का सॉल्ट हम पोहे के साथ ऐड करेंगे। तो बस इसे लीड लगा के हम रख देंगे 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए, हमारा 2 मिनट पूरा हो चुका है। और उसी के साथ साथ हमारी ये देखिए, जो हमने मटर और आलू और प्याज इसमें हमने डाली थी ना, वो सब ब्राउन हो गई है और कुक भी हो गई है। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर कलर के लिए। तो ये हो गया देखिए। अब इसके साथ साथ हमने ना स्टार्टिंग में ही पोहे को धो करके पानी छान के रख दिया था, तो ये हमारा अब बनने के लिए रेडी है। बिल्कुल खिला खिला सा है, बस इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें अब हम इसके हिसाब से सॉल्ट ऐड कर देंगे। ऐसा करने से क्या होता है ना कि कहीं कम कहीं ज़्यादा हमारा सॉल्ट नहीं रहेगा, बिल्कुल इक्वल टेस्ट आएगा, पूरे पोहे का टेस्ट एक जैसा आएगा। और अगर आप पहले ही सॉल्ट ज़्यादा डाल देते हैं तो सब्जियों में ज़्यादा रहता है और पोहे में कम हो जाता है। तो ऐसा करने से हमारा पोहा बिल्कुल एक ही तरह का बनेगा। और उसी के साथ साथ हमने यहाँ पे मूंगफली डाली है, तो आप चाहे तो इसे फ्राई करके डाल सकते हैं। मैंने यहाँ फ्राई नहीं किया है, इसको मैंने माइक्रोवेव में 5 मिनट के लिए रख दिया था, तो ये हमारा अच्छा सा रोस्ट हो चुका है। उसको हमने इसमें मिक्स कर लिया। उसी के साथ साथ हमने यहाँ पे थोड़ी सी फाइन चॉप हरी धनिया डाली है। तो ये हमारा पोहा देखिए कितना अच्छा बन करके तैयार हो गया है। तो अब आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा इसे थोड़ा अच्छा दिखाना है और टेस्ट भी थोड़ा बढ़ाना है, तो इसमें ना जो बेसन की बारीक वाली सी होती है ना, उसको ज़रूर डालिएगा। उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है और ये देखने में भी ना बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है, तो उसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे बेसन की बारीक वाली सी डाल दी है, और जिसे खट्टा पसंद है वो नींबू डाल के खा लेगा, नहीं पसंद है तो स्किप कर देगा। तो इसी तरह की आप मेरी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई रेसिपी के साथ।